आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है। तो यार देखो, बात बहुत ही सिंपल है। अब तक चाइनीज कंपनियां जो थी हमारे इंडियन मार्केट को रूल करती थी, और ऑलमोस्ट 80% के आसपास जो है वो अपना मार्केट शेयर इंडिया पे रखती थी, और हम जैसे लोग खरीदते भी थे चाइनीज स्मार्टफोन को। फॉर एग्जांपल ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, वन प्लस, ठीक है, इस तरह के फ़ोन्स को हम खरीदते थे जस्ट बिकॉज वो हमें वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड करते थे। स्पेशली जो है, अगर मैं स्पेशल हाईलाइट करूँ तो यहाँ पर शाओमी और रियलमी जो है, ये तो जो कंपनी है वो हमें एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। एंड हम जो इंडियन कस्टमर है वो काफ़ी खुश है इस चीज़ से, बिकॉज हमें सस्ते में अच्छा माल चाहिए और ये एक्चुअल में प्रोवाइड करते हैं। हमारा नॉन जो कंपनीज है, जैसे नॉन चाइनीज़ ब्रांड पे फोकस इतना नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर नोकिया की, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर सैमसंग की, एसूस की, तो ये सारे जो है, सैमसंग की तो छोड़ी दो बात यार, वो तो सस्ते फ़ोन जो निकालता है ना, वो अभी चलो उनका मार्केट थोड़ा सुधरा है, लेकिन पहले का अगर सब ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो सस्ते फ़ोन में ना वो टट्टी लेके आते थे सिर्फ और कुछ नहीं, और उनके जो फ्लैगशिप फ़ोन है ना वो इतने महंगे कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सो बात सिंपल है यार, अभी ये 59 चाइनीज ऐप को बैन करने के बाद है ना, जो चाइना वाले ना, इनके ना थोड़ा सा ना दिमाग फिरा हुआ है। पता नहीं कब कल इन लोग क्या ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट देते चाइनीज फ़ोन में कि वो आपकी जो सिक्योरिटी के आपके सब कुछ वो लेके चले जाएगा। यू नो, ये जो गाइस, ये जो वॉर स्टार्ट हुआ ना, ये कहाँ जाके एंड होगा हम में से किसी को भी नहीं पता है। और हमें बॉयकॉट करना है चाइनीज स्मार्टफोन को, लेकिन करे कैसे भाई, करे कैसे? बिकॉज चाइनीज फोन को बॉयकॉट करने के लिए हमें उसके जैसा एक ऑल्टरनेट चाहिए। अपन 100-200 ज़्यादा देने के लिए तैयार है, मतलब अपन 1000-2000 रुपये ज़्यादा देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो मेड इन इंडिया हो और मेक इन इंडिया हो, और एक्चुअल में इंडिया का, और बनाने वाला भी अपना इंडियन होना चाहिए ना। तो गाइस यहाँ पर खुशी की बात ये है कि अब वो जो टाइम है ना वो बहुत ही जल्दी ही आने वाला है, बिकॉज हमारे जो अंबानी जी है, रिलायंस जियो जो हमारी कंपनी है, वो लेके आ रहे कुछ स्मार्टफोन्स हमारे इंडिया में बहुत ही जल्द, और यहाँ पर 4G 5G वेरिएंट के साथ, और वो भी सस्ते में, ठीक है। इवन अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, और उन्होंने अगर फ़ोन को जल्दी ही लॉन्च कर दिया, तो शायद जियो फोन्स जो है ना, वो मतलब अंबानी के जो डिवाइसेस है ना, वो शायद इंडिया के पहले डिवाइस बन जाएंगे जो चीपेस्ट में आपको ईजिली 5G का जो है फ़ोन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले ना इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे, यहाँ पर कॉलकॉम ने, ठीक है, और गूगल ने मिल के हमारे अंबानी के साथ कुछ कोलैबोरेशन किया है पैसे को लेके, फंड्स को लेके। तो कैसे, यहाँ पर जो कॉलकॉम है उसने 97 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया है जियो कंपनी पे, और साथ ही साथ गूगल जो है उसने 4.5 बिलियन को ना इन्वेस्ट 4.5 बिलियन पैसे को इन्वेस्ट किया है हमारे अंबानी जी के साथ। और कैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी स्पीड से काम हो जाए। बेसिकली अब क्या हो रहा है, देखो मैं सिंपल बताता हूँ। अंबानी सर जो है ना, ये अभी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में बहुत ही जल्द, और ये जो है सही मौका रहेगा इस टाइम पे स्मार्टफोन को लॉन्च करने का, बिकॉज ऑलरेडी चाइनीज़ प्रोडक्ट पे हम सभी का जो है थोड़ा सा गुस्सा है बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेसी इशू। आप जानते हो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट में अगर आप एक एग्री मार दोगे तो वो आपका पता नहीं कौन सा क्या क्या चीज़ एक्सेस करने लग जाता है विदाउट योर परमिशन, जो कि गलत है, राइट? हम सब जानते हैं गलत है। हाँ, अगर ये ब्रांड ये सारी चीज़ें एक्सेस करता और अगर ये इंडिया का होता तो भी हमें एक ट्रस्ट रहता, हमारे इंडिया वाले भी जो आधार कार्ड को लीक करते थे, तो सोचो ये तो चाइनीज़ वाले, ये तो पता नहीं क्या क्या लीक कर देंगे। पॉइंट ये है बोलने का कि गाइस अभी चाइनीज़ के साथ इतना लफड़ा चल रहा है ना, तो इस टाइम पे भरोसा हम कर तो नहीं सकते, लेकिन दूसरे फ़ोन खरीद भी नहीं सकते। तो गाइस यहाँ पर ना इस प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, इस जो भी RMD प्रोटोटाइल को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पर कॉलकॉम और गूगल की तरफ से एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया गया है जियो कंपनी की तरफ से, जियो कंपनी के साथ एक्चुअली, ताकि अब जो ये फ़ोन है ये बहुत ही जल्दी फटाफट जो है हमारे इंडियन मार्केट में दिखना स्टार्ट हो जाए। और अभी आप पूछोगे तो इसका कंफर्मेशन क्या है, तो कंफर्मेशन क्या है, आपके सामने जो ये ट्वीट पढ़ लो जो रिलायंस जियो के ऑफिशियली ट्विटर के अकाउंट से आपको देखने को मिल जाता है, और इससे साफ साफ ये बात प्रूफ होती है कि बहुत ही जल्द 4G और 5G स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर अगर मैं लिस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखो 4G स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो रहेगी ना लगभग 10,000 के अंदर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और 5G की प्राइसिंग मैंने पहले इसलिए मेंशन किया कि सबसे चीपेस्ट 5G आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। बट आप लोग सोचोगे यार चीपेस्ट 5G मतलब नल्ले पुल्ले फ़ोन में, मतलब सिर्फ 5G की, 5G सिर्फ चला गया मतलब क्या, जब अपन उसमें हाई परफॉर्मेंस या गेम नहीं खेल सकते। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ना क्लियर कर दूँ। 5G अगर जियो वाले ने अपने फ़ोन में डाला
तो दैट मीन्स उनको एक अच्छा प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा, और अच्छा प्रोसेसर मतलब गेमिंग करना पड़ेगा। लिस्ट देख लो कौन से जो 5G सपोर्ट करता है। तो गाइस यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 690 5G सपोर्ट करता है, स्नैपड्रैगन 765G 5G सपोर्ट करता है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 जो है वो 5G सपोर्ट करता है, साथ ही साथ यहाँ पर स्नैपड्रैगन 855 प्लस भी 5G सपोर्ट करता है। और ये जितने भी मैंने आपको प्रोसेसर के लिस्ट दिए, ये सारे के सारे केपेबल है आपके पबजी को भी ना एक्सट्रीम पे चलाने की। सो गाइस सोचो कि 5G मॉडम, अगर 5G डिवाइस 20,000 के अंदर अगर हमें इंडिया में देखने को मिलता है तो कमाल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि गूगल का फुल ऑन सपोर्ट मिल जाएगा, और ये मेड इन इंडिया, और बनाने वाला भी अपना वो मुकेश जी रहेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, यहाँ पर एक और हिंट साफ साफ है कि यहाँ पर जो है इंटेल का भी कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है, तो फ्यूचर में आपको जियो की तरफ से लैपटॉप भी देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि 100-200 रुपये मतलब 1,000-2,000 ज़्यादा ले लो, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हो हमारे इंडिया में, तो फिर चाइनीज मोबाइल या चाइनीज स्मार्टफोन की तो भाई लग जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो इंडियन है वो सपोर्ट देंगे इस चीज़ को, वो एज अ एक नागरिक, इंडियन नागरिक, वो अपना ज़रूर एक पैर आगे बढ़ाएंगे, और ज़रूर से ये सारे जितने भी फ़ोन्स है अगर प्योरली मेड इन इंडिया में आता है तो हम सब मिलके इस चीज़ को ज़्यादा करेंगे भाई। अब चाइनीज़ वालों का फ़ोन पूरे दुनिया में नहीं, हमारे इंडिया का फ़ोन पूरे दुनिया में चलना चाहिए। समझ रहे हो। तो दोस्तों वीडियो इतना ही था, ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय। कुछ भी अपडेट आता है मेरे चैनल पे स्टे ट्यून करो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, छट दो मत करो, ब्राउज फीचर में आ जाता है ना, सब्सक्राइब नहीं क्या जरूरत है, ऐसे तो सामने आ जाता है वीडियो। कोई नहीं, मिलता है अगले वीडियो, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय। कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको देता रहूँगा, बाय बाय।